एक सवाल मुझसे हमेशा पूछा जाता है और वो ये कि मेरा स्पर्म काउंट ठीक है फिर भी मेरे बेबी नहीं हो रहा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्म काउंट ठीक होने के बावजूद आदमी में अगर बेबी नहीं हो रहा तो परेशानी कहाँ है। आखिर तक देखिए, पूरी स्टोरी अनरेवल आपके लिए करूंगा। तो वेलकम, क्योंकि मैं आज आपको डीएनए फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताऊंगा। ऐसा होता है, जो स्पर्म होता है इसके हेड के अंदर, मतलब तीन पीस होते हैं, एक सर होता है, एक टेल होती, एक मिड पीस होता है, एक टेल होती है। जो सर होता है इसमें पूरे में डीएनए होता है और बिल्कुल टाइटली बंधा हुआ होता है। और क्योंकि एक चीज़ होती है साइटोप्लाज्म, वो नहीं होता तो डैमेज स्पर्म के डीएनए का बड़े आराम से होता है। और अगर डैमेज डीएनए का स्पर्म है तो वो बेबी या तो पैदा नहीं कर सकता, और करता है तो अबॉर्शन होता है। तो ये क्यों होता है, क्या होता है, आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और एंड में आपको बताऊंगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल में आपके स्पर्म का डीएनए ठीक रहे उसके लिए आपको करना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है। देखिए, एक सीमन काउंट अगर आपका होता है तो उस काउंट की बेसिस पे सिर्फ हमें ये मालूम चलता है कि स्पर्म्स नॉर्मली हैं कितने, ये मोटाइल कितने हैं, ये जिंदा कितने हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम चलता कि ये फंक्शनली, मतलब कामयाबी के लिए कामयाब कितने हैं। और ये फंक्शनैलिटी और कामयाबी हमें मालूम चलती है तब जब हम टेस्ट करते हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन का। तो अब समझ लीजिए एक छोटी सी बात, जो स्पर्म है ये टेस्टिस के अंदर बनता है, और दो टेस्टिस होती हैं, और इसमें करीब करीब एक स्पर्म को बनने में 60 से 70 दिन लगते हैं। यही वो जगह है जिसे हम आंडकोश बोलते हैं या टेस्टिस बोलते हैं, जिसके अंदर स्पर्म 60 से 70 दिनों में बनता है, जिसमें इसमें मैचुरेशन आती है, मैचुरेशन के बाद में कॉन्सेंट्रेशन होती है, बनावट बनती है, और जो न्यूक्लियो प्रोटीन जिससे डीएनए बनता है ये मैन्युफैक्चर होता है। तो अब होता क्या है, देखिए ये समझिए कि जो स्पर्म होता है जब ये शुरू से 60 से 70 दिनों में बनता है तो उसके डीएनए के अंदर एक प्रोटीन होता है हिस्टोन, वो प्रोटामीन में कन्वर्ट होता है। लेकिन किसी किसी में ये प्रोटामीन हिस्टोन में कन्वर्ट नहीं होता, और जब ये कन्वर्ट नहीं होता तो डीएनए ठीक नहीं होता। आप, मतलब मोटा मोटा शब्दों में कहूं, डीएनए की तैयारी 60 से 70 दिनों में होती है, बीच में कोई विघ्न हो जाए तो स्पर्म तो बनेगा लेकिन उसका डीएनए ठीक नहीं होगा। दूसरा ये आती है बात जो हमेशा पूछी जाती है कि चलिए स्पर्म तो ठीक बन गया, फिर खराब क्यों हो रहा है? तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब इन्फेक्शन, इमेच्योर स्पर्म, एबनॉर्मैलिटी के कारण जो स्पर्म है उस पर ऑक्सीडेशन की जोर लग रही है और न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब डीएनए खराब हो रहा है। ये मैचुरेशन के दौरान भी हो ही सकता है। पर अब आप टेस्ट कैसे करेंगे? तो इसके अलग अलग टेस्ट हैं और बड़े कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट हैं। इनमें जो सबसे स्टैंडर्ड ऐसे है उसे बोलते हैं टनल टेस्ट। टनल टेस्ट विदेश में बहुत होता है लेकिन हिंदुस्तान में गिनती की जगह होता है। एक अगला टेस्ट होता है हेलो टेस्ट, जिससे हम ये जजमेंट देते हैं कि स्पर्म के अंदर का कितने परसेंट ऐसे हैं जो डीएनए फ्रेगमेंटेड है। ये देखिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमको ये मालूम चलता है कि अगर डीएनए खराब है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, एक नंबर। दो, अगर डीएनए खराब है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो उसे खराब कर रही हैं वो रोकी जाएं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से डीएनए खराब होता है? एक तो एनवायरमेंटल, पोल्यूशन, रेडिएशन, हाई टेम्परेचर, आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहाते हैं, खाना आपका साफ नहीं है, हवा आपकी साफ नहीं है, जो आप चीज़ें
खाने में लेते हैं या शरीर पे लगाते हैं उनमें मिलावट है, या आप स्मोक करते हैं। स्मोकिंग के साथ साथ आप कोई ड्रग्स या नशे का सेवन करते हैं, ये सब स्पर्म के डीएनए को खराब करते हैं। इसके साथ साथ अगर आदमी के शुक्राणुओं में वीर्य में इन्फेक्शन हो, या बहुत समय तक वीर्य रुका हुआ हो और बाहर ना निकल रहा हो, अगर स्पर्म एबनॉर्मल हो, इस कंडीशन में भी शुक्राणु का डीएनए खराब होता है। कुछ बीमारी ऐसी हैं जिनमें स्पर्म का डीएनए खराब होता है, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर या कोई लंबे टाइम के लिए इन्फेक्शन। एक चीज़ ध्यान में रखिए, कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं जो आप रोक सकते हैं। अगर स्पर्म का डीएनए खराब है तो खाना कोशिश कीजिए घर का खाएं, शुद्ध खाएं। एक, स्मोकिंग करते हैं तो बंद कर दें, तंबाकू का सेवन करते हैं तो बंद कर दें। इन्फेक्शन होना ठीक नहीं है तो बहुत ज़्यादा अलग अलग पार्टनरों के पास में जाने से डीएनए खराब होता है, और अगर इन्फेक्शन है तो उसका इलाज कराएं। एक बात और समझिए, एक बीमारी होती है वेरिकोसील, जिसमें नसें सूज जाती हैं और फूल जाती हैं टेस्टिस के चारों ओर। इस बीमारी में भी डीएनए फ्रेगमेंटेशन हाई होता है। सवाल ये उठता है कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन हाई होने से फर्क क्या पड़ता है, तो समझिए फर्क ये पड़ता है कि आईयूआई में प्रेगनेंसी बहुत कम होती है। अगर नॉर्मली आईयूआई की प्रेगनेंसी 19% तक होती है, अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन है तो ये करीब करीब 1.5% 1.5% रह जाती है। ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्टडी में निकाली गई। दूसरी चीज़, अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन है तो आईवीएफ, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी नॉर्मली बोलते हैं, इसकी सक्सेस रेट डाउन हो जाती है, जबकि इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन की सक्सेस रेट ठीक रहती है। अब आप कहेंगे आईवीएफ की कम है और इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की जो सक्सेस रेट है वो बेहतर है। ये क्यों है? क्योंकि इक्सी में क्या करते हैं, एक शुक्राणु को लेते हैं, उसको एक पिपेट में लोड करते हैं, पिपेट में लोड करने के बाद में उसको अंडे के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली पहुंचा देते हैं। तो अगर आप अंडे के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली पहुंचा देते हैं तो क्या होता है? एक तो बाहर रहने से स्पर्म कम खराब होता है, दूसरा उसके डीएनए को अंडे का साइटोप्लाज्म, मतलब अंडे के अंदर जो तरल पदार्थ है, वो कई बार रिपेयर कर देता है, एस्पेशली अगर अंडा बहुत अच्छा हो और पत्नी की उम्र कम हो। इस कारण से, ये आपको एक बहुत डीप चीज़ बता रहा हूँ, बहुत साइंटिफिक चीज़ जो बहुत साइंटिस्ट को भी नहीं मालूम होती, इसी कारण से अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन हाई है और बेबी नहीं हो रहा तो कई बार आंसर इसका इक्सी रहता है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ में ये बताना चाहूँगा कि आप ये टेस्ट कब कब कराएंगे। डीएनए फ्रेगमेंटेशन का टेस्ट कराएंगे अगर हस्बैंड वाइफ की रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हैं, बच्चा नहीं हो रहा, इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, बार बार आईवीएफ कराया और फेल हुआ, आईयूआई में प्रेगनेंसी नहीं आई कई बार कराने के बाद, फिर आपको डीएनए फ्रेगमेंटेशन कराना पड़ेगा। एक लेडी में बार बार अबॉर्शन हो रहा है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन कराइए। एज 40 के ऊपर आदमी की है, डीएनए खराब होता है, टेस्ट कराइए। वेरिकोसील नाम की बीमारी है, उसमें भी मालूम करना जरूरी है। अगर स्पर्म कम है, खराब है, इन्फेक्शन है, या आपको बताया कि आईवीएफ लैब में आपका, जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी कर रहे थे तो आपका एम्ब्रियो आगे नहीं बढ़ा, तो हमें देखना है कि स्पर्म के जो डीएनए है उसमें कोई खराबी तो नहीं है। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, किसी ऐसे काम में हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत है, तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन कराने से फ़ायदा होता है। अब एक सवाल हमेशा ये मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि साहब मेरे डीएनए फ्रेगमेंटेशन निकल गया, अब मैं क्या करूँ? तो देखिए, इसके बड़ा आसान तरीका है। पहली चीज,
कुछ दवाइयाँ होती हैं एंटीऑक्सीडेंट जिसे बोलते हैं, जिसे एंटी एजिंग भी बोलते हैं, वो लेने से फ़ायदा होता है। नंबर दो, आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है। सेकंड चीज़ है, जो कंडीशन जिसकी वजह से ये हो रहा है, अंडरलाइंग कंडीशन, उसे ठीक करना है। और कोशिश ये करना है कि सपोजिंग आप लेबोरेटरी में मतलब IVF IUI कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या करना है जिससे DNA फ्रेगमेंटेशन कम हो। तो तीन लेवल पे हमें काम करना है। पहला लेवल वो है जिसमें है कि आपको मतलब लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है। तो लाइफस्टाइल के बारे में, हरी सब्जी खाएं, साफ खाना खाएं, जो दवाइयां डॉक्टर ने कही हैं नियमित लें, फूड खराब नहीं होना चाहिए आपका, तला हुआ खाना कम खाएं, जिन फलों के अंदर पानी ज़्यादा होता है वो लीजिए, संतरे जैसे फल लीजिए, हरी सब्जी लीजिए, फैट से बचें। ये तो डाइट हो गई। अब कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, फॉलिक एसिड, जिंक, सेलिनियम, एस्ट्राजेंथीन, कोएंजाइम क्यू, एल लाइकोपिन, एल कार्निटिन। ये सारी की सारी दवाइयाँ आज इंटरनेशनली प्रूवन है और हमारे दो इसमें मेजर पेपर्स भी छपे हैं इंटरनेशनली, पब्लिकेशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन क्लीवलैंड क्लिनिक की है जिसमें हम भी एक पार्ट थे। ये दो पेपर्स हैं जिनमें ये प्रूव होता है कि इसको लेने से DNA फ्रेगमेंटेशन कम होती है। कोई इन्फेक्शन, अब आप समझिए, इन्फेक्शन है तो वो ठीक करना है, इन्फेक्शन ठीक करना ज़रूरी है वरना DNA फ्रेगमेंटेशन कम नहीं होगी। अगर वेरिकोसील नाम की बीमारी है तो उसका, और बच्चे नहीं हैं और स्पर्म काउंट भी कम हो रहा है, तो वेरिकोसील का माइक्रो सर्जिकल ऑपरेशन करने से आपका DNA फ्रेगमेंटेशन कम होगा। अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इन्फेक्शन या वेरिकोसील, पर तीसरी चीज़ हमें समझनी है कि अगर हम लैब में काम कर रहे हैं तो लैब में क्या करना है। उसके लिए कुछ खास प्रोटोकॉल्स हैं जो हम अपनी लेबोरेटरी में हमेशा फॉलो करते हैं, जिससे जब आपने स्पर्म दे दिया उसके बाद वो DNA खराब नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर आप कितनी जल्दी स्पर्म देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग जल्दी करते हैं, कुछ मीडिया हैं जिनमें करते हैं, कुछ डिस्पोजेबल्स हैं जिन्हें यूज़ करते हैं, जिससे DNA फ्रेगमेंटेशन ना हो और हम आपके अच्छे स्पर्म को लेके आपको बेबी दे सकें। तो आपको आज मैंने DNA फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताया। समझिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो हम आपके लिए आज यूज़ करते हैं। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और अब से कुछ साल बाद सीमन एनालिसिस के साथ में आप खुद देखिएगा कि DNA फ्रेगमेंटेशन का टेस्ट ज़रूरी हो जाएगा। दो रीज़न से, एक तो ये मालूम करने के लिए कि बेबी क्यों नहीं हो रहा, और नंबर दो, जिस हिसाब से पोल्यूशन चल रहा है, जिस हिसाब से मिलावट चल रही है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा, फास्ट फूड खा रहे हैं, DNA और ख़राब होने का अंदेशा है। आपको अगर इससे कोई फ़ायदा हुआ तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई सवाल आपका है तो व्हाट्सएप पे एक नंबर है, उस पे हमसे सवाल पूछ लीजिए। अगर आपकी DNA फ्रेगमेंटेशन के अलावा इनमें से कोई भी समस्या हो तो आप अगर एक 1-to-1 कंसल्टेशन लेते हैं, वी वुड बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू। थैंक यू।